लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट का फार्मूला डिराइव कराया था, और ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट का जो फार्मूला डिराइव कराया था वो फार्मूला था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम एच, जहां पे I मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है, और ये मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट के लिए ML स्क्वायर बाई 12, और मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल मूवमेंट है स्मॉल m इंटू 2L। अगर कोई बार मैग्नेट की लेंथ 2L है, पोल स्ट्रेंथ m है, तो ये फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में डिराइव कराए थे ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट के लिए। अब इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखो बेटा इस पे। ए बार मैग्नेट इज, क्वेश्चन है, ए बार मैग्नेट इज कट, ए बार मैग्नेट इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स, ए बार मैग्नेट इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। फाइंड, देखो बेटा, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट कॉमा मूवमेंट ऑफ इनर्सिया एंड टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट, अगर ये बार मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैपिटल एम है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया परपेंडिकुलर टू लेंथ। अगर इस बार मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर टू लेंथ काटेंगे तो दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे, साउथ नॉर्थ, दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। और मैग्नेट, अगर पूरे मैग्नेट की लेंथ एल है, अगर हम एल पूरे मैग्नेट की लेंथ माने बच्चों, तो ईच पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, यही होगा ना। इस वाले मैग्नेट की भी और इस वाले मैग्नेट की भी लेंथ एल बाई टू हो जाएगी, क्लियर। एक चीज और चेंज करेगा, और वो क्या है, मास। अगर पूरे मैग्नेट का मास हम कैपिटल एम, पूरे मैग्नेट का मास अगर हम स्मॉल एम माने, तो यहां पे हमें हाफ पार्ट का मास कितना लेना पड़ेगा, m by 2 लेना पड़ेगा। इसी तरह से इस वाले पार्ट का भी मास m by 2 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अगर हम मान लीजिए हम m डैश यानी सिंगल पार्ट के लिए निकालें, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो बेटा, अगर कैपिटल M यहां पे हम देखें, तो कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, पूरे मैग्नेट का डायपोल मूवमेंट क्या लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। हम अगर इस छोटे हाफ पार्ट का लिखें M डैश माने, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, पोल की स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन लेंथ हाफ हो जा रही है। तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ML जो है वो कैपिटल M है, तो हम कैपिटल M बाई टू। कहने का मतलब है कि अगर बार मैग्नेट को हमने दो इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, कट किया परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो ईच मैग्नेट का मूवमेंट हाफ हो जाएगा। तीन पार्ट में कट किया तो ईच मैग्नेट का मूवमेंट m बाई थ्री हो जाएगा, और अगर इसको चार इक्वल पार्ट में काट दें परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ईच पार्ट का कितना हो जाएगा, m बाई फोर।
इसका मतलब कि एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट मेथड हम ले सकते हैं और वो है एन पार्ट में अगर ब्रेक करें, एन पार्ट में ब्रेक करें मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम बाई एन हो जाएगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूले के तौर पे ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। भाई मैग्नेट को फोर इक्वल पार्ट में कट कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम बाई टू है, एम बाई फोर है, एम बाई थ्री है, एम बाई फाइव है, आप फोर पार्ट में कट किया एम बाई फोर टिक कर देंगे। ये मास नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है। तुम लोग कंफ्यूज मत हो, ऐसा करता हूं ना, पोल स्ट्रेंथ को मास को मैं एम डैश ले लेता हूं और पोल स्ट्रेंथ को एम ले लेता हूं माइनस एम और प्लस एम, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई। बार मैग्नेट का मास हमने एम डैश मान लिया है और पोल स्ट्रेंथ माइनस एम और प्लस एम हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हुआ, दूसरा टर्म क्या निकालना है बच्चों, दूसरा टर्म क्या निकालना है इच पार्ट का, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अगर पूरे मैग्नेट का मास एम डैश मान ले, पूरे मैग्नेट का मास, पूरे के पूरे मैग्नेट का मास एम डैश मान ले, तो एम डैश एल स्क्वायर बाई 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूरे मैग्नेट की है, पूरे मैग्नेट की मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। तो मैं सिंगल पार्ट का अगर हाफ पार्ट का निकालू, तो सबसे पहले तो मुझे इस मास को कितना लिखना होगा, एम डैश को कितना लिखना होगा बच्चों, एम डैश बाई टू, एम डैश बाई टू। लेंथ को कितना लिखना होगा, एल बाई टू का होल स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाई 12 बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, एम डैश है ना, एम डैश एल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई कितना भाई, 48 जा 96 ना, 96 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, एम डैश एल स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, एम डैश अगर 1/12 है, 1/8, इसका मतलब मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टोटल मोमेंट ऑफ, जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसकी 1/8 हो जाएगी। ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूरे बार मैग्नेट की है, उस मोमेंट ऑफ इनर्सिया का 1/8 जो है, अगर इसको दो इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो ईच पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1/8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर, क्लियर ना, पूरे पूरे मैग्नेट की मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई, आई कितनी है यहां बताइए, पूरे मैग्नेट की मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम डैश एल स्क्वायर बाय 12 है, ठीक है। हाफ पार्ट में कट किया, मास हाफ हो गया, लेंथ हाफ हो गई, मास को हाफ कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया, तो ये एम डैश एल स्क्वायर बाई 96 आया। अगर एम डैश एल स्क्वायर बाई 12 को एक ब्रैकेट में ले लें तो मल्टीप्लाइड बाई 1/8 हो जाएगा, यानी पूरे बाहर मैग्नेट की मूवमेंट ऑफ इनर्सिया का 1/8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दो पार्ट में कट किया 1/8, तीन पार्ट में कट किया आई बाई 27, ठीक है। फोर पार्ट में कट किया, फोर पार्ट में कट किया आई बाई 64, एन पार्ट में कट किया, एन पार्ट में कट किया बिल्कुल आई डैश, यानी कि सिंगल पार्ट एन पार्ट में कट किया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई बाई एन क्यू। परपेंडिकुलर टू लेंथ अगर मैग्नेट को तीन इक्वल पार्ट में कट, एन इक्वल पार्ट में कट करें तो ईच पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई बाई एन क्यूब होगी। दो पार्ट में कट करें, एन की वैल्यू 2, थ्री पार्ट में कट करें, एन की वैल्यू 3, फोर पार्ट में कट करें, एन की वैल्यू 4, इमीडिएटली ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट फार्मूले के तौर पे एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया एम आई एन। मैग्नेट को थ्री पार्ट में परपेंडिकुलर टू लेंथ कट किया, मोमेंट 1/3 हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1/27 हो गए। कोई दिक्कत बच्चों, इज दिस क्लियर। तीसरा क्या पूछा है, इतना आप नोट करो तो थर्ड बताता हूं, पहले इतना आप नोट करिए फिर थर्ड बता रहा हूं।
इतना नोट करो बेटा जल्दी से, फिर थर्ड बताता हूं। थर्ड में क्या निकालना है आपको? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम एच, यही है ना। ये दोनों समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, टाइम पीरियड पे। देखो बच्चों, टाइम पीरियड की बात करें, अगर पूरे मैग्नेट का कंप्लीट पूरे मैग्नेट का टाइम पीरियड की बात करें तो टी होगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम एच, लेकिन दो सिंगल पार्ट की, हाफ पार्ट की बात करें टी डैश, तो 2 पाई अंडर रूट आई कितना आया था बच्चों? आई बाई एट। आई कितना आया था? आई एफ बाई एट। एम कितना आया था? एम बाई टू इन टू एच। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? कैपिटल टी बाई टू आएगा ना भाई। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 बाई टू अंडर ब्रैकेट 1 बाई टू अंडर ब्रैकेट 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम एच, यही होगा ना। सॉल्व करके देखो इसको, इसको आप सॉल्व करके देखो क्या इतना आ रहा है। 2 से 8 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब 1 बाई टू बाहर आ जाएगा, यही आएगा ना। इसका मतलब टाइम पीरियड जो है टी बाई टू हो जाएगा। बार मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट में कट किया, ईच पार्ट का टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट में कट किया, 3 पार्ट में टी बाई थ्री, 4 पार्ट में कट किया टी बाई फोर, एन पार्ट में कट किया टी बाई एन। ये तीनों शॉर्टकट फॉर्मूले आप ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे बच्चों। सब्जेक्टिव मेथड इज क्लियर? लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर टू लेंथ कट होना चाहिए। बार मैग्नेट की का जो कट है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ओके। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू लेंथ के लिए हमने आपको 3 शॉर्टकट फॉर्मूले निकाले यहां पे। एक तो पहले निकाला एम डैश इज इक्वल टू एम बाई एन, दूसरा क्या निकाला? आई डैश इज इक्वल टू आई बाई एन क्यूब, और तीसरा क्या निकाला? टी डैश इज इक्वल टू टी बाई एन। ये याद रखिए, लेकिन ये केवल परपेंडिकुलर टू लेंथ के लिए ही एप्लीकेबल है, परपेंडिकुलर टू लेंथ के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है बच्चों। किसी बार मैग्नेट को 7 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ईच पार्ट की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? आई बाई 7 पावर 3। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना टाइम हो गया? एम बाई 7। टाइम पीरियड कितना हो गया? टी बाई 7। इज दिस क्लियर? ओके। अब आते हैं, इसी बार मैग्नेट को लिख लो बच्चों, बार मैग्नेट इज कट, देखिए क्वेश्चन, बार मैग्नेट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स पैरेलल टू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। देखो बेटा क्या मतलब है इसका, अगर ये बार मैग्नेट है साउथ नॉर्थ,
माइनस एम प्लस एम पोल स्ट्रेंथ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, इसको दो इक्वल पार्ट में लेंथ वाइज कट कर दिया गया, लेंथ वाइज इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया, तो ईच पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्सिया और टाइम पीरियड कितना होगा, यही है ना। देखो बच्चों, अगर लेंथ वाइज कट करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, ये मैग्नेट नॉर्थ, ये मैग्नेट साउथ, पोल की स्ट्रेंथ जो है, पोल की स्ट्रेंथ हाफ हो गई, पहली बात क्लियर भाई। बार मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया तो पोल की स्ट्रेंथ, ये पूरी पोल है उसकी आधा पोल रह गया, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, लेंथ सेम है, लेंथ में कोई चेंज है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, मास में चेंज है बच्चों, एम डैश अगर पहले था तो बाद में कितना हो गया, एम डैश बाई टू, ठीक क्लियर। अब अगर हम सेपरेटली इस वाले पार्ट का, एक सिंगल पार्ट का मूवमेंट लिखे एम डैश, तो आप जानते हैं पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, स्मॉल एम बाई टू इंटू एल, यानी पोल स्ट्रेंथ एम बाई टू हो गई, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, लेंथ सेम है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया बच्चों कैपिटल एम बाई टू, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो गया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्सिया बताइए, एवरीवन फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया कितने टाइम्स हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला तो क्लियर ही है, एम डैश है ना एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 पूरे मैग्नेट के लिए, ठीक पूरे मैग्नेट के लिए इतना है। अगर हम आई लिखें तो आई हम लिखेंगे एम डैश एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन हम यहां पे अगर लिखेंगे सिंगल पार्ट की मूवमेंट ऑफ इनर्सिया तो क्या लिखेंगे, एम डैश डिवाइडेड बाई, एम डैश डिवाइडेड बाई टू, लेंथ सेम है, डिवाइडेड बाई 12, यही है ना, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गई आई बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गई आई बाई टू, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड आप सॉल्व करके देखो, टी डैश जो है बेटा देखो टी डैश कितना है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एमएच, मतलब पूरे बार मैग्नेट का ये है, तो टाइम पीरियड में ना देखिए आई आप लिखोगे आई बाई टू, 2 पाई अंडर रूट आई बाई टू डिवाइडेड बाई एम बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एच, इसका मतलब टी डैश जो होगा वो टी के बराबर होगा। बार मैग्नेट को लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में कट किया तो मोमेंट उसका हाफ हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाफ हो गई, लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है क्लियर। इसको नोट कर लो बेटा, ये इसका सब्जेक्टिव अप्रोच है, कंसेप्चुअल अप्रोच है। अब बात आती है शॉर्टकट फॉर्मूले की, तो इसको हम यहां से हम लिख सकते हैं सिंगल पार्ट के लिए एम बाई एन, इसको लिख सकते हैं आई डैश इज इक्वल टू आई बाई एन, और यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों क्या लिख सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू टी, ये याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। डन क्लियर ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि बार मैग्नेट को लेंथ वाइज 4 पार्ट में कट किया गया, इच पार्ट का मूवमेंट कितना हो जाएगा, एम बाई 4, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई बाई 4, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज, क्लियर बच्चों। तो इस तरह से जो है ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। अब बात आती है यहां पे बार मैग्नेट से रिलेटेड, एक हेडिंग डाल दो बच्चों, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब कैपिटल एच ड्यू टू बार मैग्नेट,
मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट। पहला है बच्चों एक्सियल पॉइंट, फर्स्ट है एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पहला है एक्सियल पॉइंट। देखो बेटा ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। यहां पे ये एक्सियल पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट पी है, माइनस एम प्लस एम, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर है, 2L लेंथ अगर माने तो ये L और ये L, तो ये डिस्टेंस R माइनस L है और ये वाली डिस्टेंस R प्लस L। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की वजह से, सॉरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल, देख लीजिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल मीन्स प्लस एम पोल स्ट्रेंथ की फील्ड एच वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट म्यू नॉट बाई फोर पाई होता है, स्मॉल के स्मॉल एम बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है एम बाई आर स्क्वायर। यहां ये मैग्नेटिक चार्ज है, वहां वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता था, मैग्नेटिक चार्ज मतलब पोल स्ट्रेंथ। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव पोल की यानी साउथ पोल की फील्ड लिखे हैं तो एच माइनस एम कितना होगा बच्चों, बोलिए क्या होगा, स्मॉल के एम बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नॉर्थ पोल की फील्ड पोल से अवे एच वन, साउथ पोल की फील्ड हमेशा फील्ड पोल की तरफ एच टू। एच वन एच टू में से बड़ी कौन सी फील्ड है, एच वन बड़ी है, एच वन बड़ी है और एच टू छोटी फील्ड है। स्मॉल के यहां पे क्या है, स्मॉल के है मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई फोर पाई होती है, मालूम है आपको भाई 10^-7 बताया था ना इसकी वैल्यू। इसको अगर हम नेट फील्ड एट पॉइंट पी लिखें, नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी लिखें, तो हमें एच वन माइनस एच टू करना पड़ेगा बच्चों। तो स्मॉल के एम कॉमन ले लें तो 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा,